फ्रेंड्स, मैंने ये है अमूल का जो है आधा लीटर का अमूल गोल्ड लिया है, जिसमें 6% फैट और 9% SNF है। इसका मैं खोआ तैयार करूँगा, क्योंकि बाज़ार से खोआ लेना जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। या तो प्योर दूध घर पे आ रहा हो उसका खोआ तैयार कर सकते हैं आप, या अमूल गोल्ड का खोआ। अमूल भी जो है रेपूटेबल ब्रांड है, अच्छा दूध देती है। और इसका मैं खोआ तैयार कर रहा हूँ, और इसका खोआ भी मुझे उम्मीद है कि आधा लीटर में 100 ग्राम करीब खोआ इसका बैठने दीजिए, और ये खोआ बड़ी प्योर होगा। और ये बनाने जा रहे हैं हम गोंद की पंजीरी या गोंद की बर्फी, जो बहुत ही फायदेमंद भी होती है और बहुत ताकतवर होती है। गोंद की पंजीरी हमें क्या फ़ायदा करती है? गोंद खाने से, बबूल का गोंद, ये बबूल का गोंद लिया हुआ है, और जो इसको मैंने सन ड्राई कर लिया है, 200 ग्राम गोंद लिया है और इसको सन ड्राई कर लिया गया अच्छी तरह से। और चाशनी में जो है 1.5 कटोरी चीनी लेकर मैं चाशनी कर रहा हूँ थोड़े पानी में, जो एक तारी चाशनी तैयार होगी। और चाशनी अलग बन रही है। मैं आपको बबूल के गोंद के बारे में बताता हूँ। बबूल के गोंद से क्या है कि हमारे दिमाग का टेंशन ख़त्म होता है, स्ट्रेस ख़त्म होता है, दिमाग को हमारा मजबूत करता है, और इससे हमारा पेट भी ठीक रहता है। और थोड़ा सा कम मात्रा में खाया जाए और लैक्टेशन मदर के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये। इससे जोड़ों में दर्द, पसलियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी कम हो जाता है। गोंद खाना बहुत फायदेमंद है। ये गोंद को जो घी में तला जा रहा है, और इसको मीडियम आग पर रखा जाए। मीडियम आग मतलब कहूँ कि गोंद अंदर से पक जाए, वरना ये गोंद की पंजीरी दांतों में चिपकेगी। इधर चाशनी तैयार हो रही है और चाशनी बॉयल हो रही है। आप देख रहे हैं चाशनी की में जो है, जब 1/4 की चाशनी तैयार हो जाएगी तो इसमें जो गोंद को हमने इसके फूले बना लिए हैं, इसमें कुछ ये गोंद बहुत बढ़िया है, और कुछ लाल दाने हैं, कुछ सफ़ेद दाने हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ये जो है कोई मशीन से बनाया प्रोडक्ट नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको जो है फूले बनाकर जो है, फूले तो बन रहे हैं, बहुत सुंदर फूले बन रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत सुंदर आसान रेसिपी है गोंद की पंजीरी, या गोंद की बर्फी भी कहते हैं इसको। और वृक्ष में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। चाशनी तैयार हो गई है और गोंद फ्राई हो गया है। अब गोंद को क्रश कर लिया गया है। एक्चुअली गोंद को क्रश इतना कर लिया था कि इसको जो जितना बारीक क्रश कर सकते हैं ये क्रश किया जा रहा है। जितना क्रश अच्छा हो जाएगा उतना ये पंजीरी स्मूथ बनेगी। गोंद ये क्रशिंग भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर चाशनी भी हमारी तैयार हो रही है, और ये 1/4 की चाशनी लगभग तैयार ही है। गोंद भी क्रश कर लिया जा रहा है। गोंद को ब्लू बारीक पीस लिया जाएगा, और ये गोंद की पंजीरी की आसान रेसिपी है। चाशनी में कुरकुरा जो है, मतलब जो बारीक पिसा हुआ नहीं है, उसको गोंद को जो है जो पहले तल लिया है उसको डाल दिया गया है, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाएगा। और इसको मिक्स करके जो है, जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, तो जो अमूल गोल्ड से जो मैंने मावा तैयार किया है वो इसमें मिक्स किया जाएगा। उससे इसमें क्या है, सॉफ्टनेस और क्रिस्पनेस आ जाएगी, और टेस्ट जो है कई गुना बढ़ जाएगा। खोआ जो है ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें डालें। तो मैंने 200 ग्राम गोंद, 1.5 कटोरी चीनी और 100 ग्राम मावा इसमें इस्तेमाल किया है। और ये बनाने की बहुत ट्रिक है, और इसको आप मेरी जो रेसिपी फॉलो करें, बहुत बढ़िया पनीरी तैयार होगी, बहुत बढ़िया बर्फी तैयार होगी। और इसको जो है जब ये हो जाए तो एक थाल में जो है थाल लिया जाएगा, थाल में हल्का घी ला लिया गया है, थाल को चेक किया है, स्मूथ होना चाहिए थाल। स्मूथ थाल में जो हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है गोंद का, चीनी का और मावे का, इसको जो है बारीक तरह से फैलाया जाएगा। और देखो इतना स्मूथ फैलाना है, बिल्कुल ये नहीं कहीं ऊंचा कहीं नीचे रह जाए, जितना हो सकता है
बढ़िया फैलाएं जी, और ये पेस्ट इतना फैल जाएगा और थोड़ा ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कितनी अच्छी पनीर तैयार होगी जी, गोंद की पनीरी। ये फैला लिया गया है और देखो कितना अच्छा फैला लिया गया है जी, और थोड़ा सा ड्राई करने के बाद जो है ठंडा होने के बाद हल्का पिंकिश कलर हो जाएगा। फिर इसको चाकू की मदद से इसके बर्फी के पीस बना दिए जाएंगे और इसको काट के जो है बहुत ही सुंदर गोंद की पनीर तैयार हो गई है ये। इसे बहुत से लोग गोंद की बर्फी कहते हैं, गोंद का पाक भी कहते हैं। और ये गोंद का पाक तैयार हो गया है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसको मैं प्लेट में दिखाता हूँ सर्व करके। बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट क्रिस्पी डिलीशियस पाक तैयार है और बहुत खाने टेस्टी और हेल्दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।